सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नए लॉन्चेस, जो मोबाइल नए लॉन्च होने वाले हैं, और बजट स्मार्टफोन्स के बारे में। तो सबसे पहला लॉन्च होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। तो सैमसंग की तरफ से लॉन्च होने वाला है ये, जो होगा 4 मार्च को। तो इसकी प्राइसिंग अभी इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन ये बजट स्मार्टफोन होने वाला है। तो ये है सैमसंग की तरफ से। उसके बाद नथिंग की तरफ से नया फोन लॉन्च हो रहा है, नथिंग 2A, ये 5 मार्च को लॉन्च होने वाला है। इसके बाद है रियलमी की तरफ से लॉन्च, रियलमी 12 प्लस 5G, तो ये 6 मार्च को लॉन्च होने वाला है। इसके बाद है ओप्पो का स्मार्टफोन, ओप्पो F25 Pro, तो इनका टीज़र भी आ गया है, ये लॉन्च होने वाला है 29 फेब को, जो कि कैमरा ओरिएंटेड है फ़ोन। फिर MI की तरफ से आने वाला है Xiaomi 14, ये लॉन्च करने वाले हैं। और Vivo की तरफ से आने वाला है Vivo 30 Pro। तो Vivo की V29 सीरीज़ लेटेस्ट थी, अब ये Vivo की V30 सीरीज़ भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये जो मैंने बताया है, ये हो गए नए लॉन्चेस जो आने वाले मार्च तक आपको देखने मिलेंगे। तो बजट फ़ोन यानी कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ 10,000 के नीचे के फ़ोन्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोन परचेस करते हैं, लेकिन उनका बजट बहुत ही कम होता है। और जो लोग अभी नॉर्मल फ़ोन से स्मार्टफोन में स्विच कर रहे हैं, तो उनके लिए लॉन्च हो रहा है सबसे नंबर 1 पे जो मुझे लग रहा है, वो है रेडमी का A सीरीज़। तो जो रेडमी की A सीरीज़ होती है, वो नॉर्मली एंड्रॉयड 1 पे बेस्ड होती है। तो अब रेडमी का बजट फ़ोन में सबसे पहले नंबर पे मैं बता रहा था रेडमी का A सीरीज़ A3, जो 7000 पे लॉन्च हो रहा है, जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी अच्छा है। 4GB से लॉन्च हो रहा है, और 3GB 64GB, देन 4GB 128GB, उसके बेसिस पे प्राइसिंग है। और कुछ डिस्काउंट के साथ ही वो आपको 7000 में मिलने वाला है, अदरवाइज इसकी प्राइस है 7300। जो 4GB का प्राइस है, वो 4GB और 128GB का प्राइस है 8299, और 6GB का जो वर्जन है वो है 9299, यानी कि 9299। तो ये तीन वेरिएंट में आने वाला है, 3GB 4GB 6GB एंड स्टोरेज 64 एंड 128। तो ये रहा Redmi की तरफ से। दूसरा है Motorola Moto G04, ये है 6249 रुपीज़, बट वो डिस्काउंट के साथ है अगेन, एंड इसका बेस वेरिएंट है 4GB 64GB, और इसकी जो बैटरी है वो 5000mAh की है, और इसमें सिंगल कैमरा है 16 मेगापिक्सल, और 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। तो ये आने वाला है आपको सिर्फ 7000 के आसपास। इसमें भी आपको जो 3GB नहीं है, डायरेक्ट 4GB से स्टार्टिंग है, देन 8GB है, वो 8GB एंड 128GB है, जो 8000 का है, विच इज़ वेरी 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 गुड डील। जो मैं अदर ब्रांड से कंपेयर करूँ, तो 8GB और 128GB आपको मिल रहा है 7999, जो कि बहुत ही बजट वाला प्राइस है। और Motorola के फ़ोन्स काफ़ी अच्छे भी होते हैं, और चलते भी हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर आप यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, और ये अभी सेल में भी है। इसके बाद है अपना बजट में इन्फिनिक्स हॉट 40i, जो है 8999, ये आता है 16GB 256GB, तो ये आपका स्टोरेज समझ लीजिए और बढ़ गया। इन्फिनिक्स के फ़ोन भी अच्छे होते हैं अगर आप यूज़ करें तो। उसके बाद है Vivo T2X 5G, तो ये जो वेरिएंट्स मैंने बताया, Redmi A3, Moto G04, ये 5G नहीं है, ये बेसिक फ़ोन है, 4G के साथ आते हैं। और जो Vivo का फ़ोन है वो 5G के साथ आता है, इसका भी सेल चालू हो गया है, और ये है 12999। तो ये 10,000 के ऊपर का फ़ोन है, पर जो मैंने प्राइसिंग बताया Motorola का, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा प्राइस है, बट ये 5G फ़ोन है अगेन। तो 5G के नाम पे भी थोड़ा पैसा ये लोग आपसे ले रहे हैं। तो ये बजट सेगमेंट के फ़ोन हो गए। और मोटो का एक और फ़ोन आया है, ज़बरदस्त फ़ोन आया है, Moto G24 Power। तो इनके नाम बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, मैंने जो बताया अभी लॉन्च हुआ है Moto G04, ये है Moto G24, ये भी लेटेस्ट लॉन्च है।
इसका भी दाम जो है 128 GB का 8999 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसमें दो कैमरा मिलते हैं आपको 50+2 MP। तो ये वीडियो आपके बस इन्फॉर्मेशन के लिए था कि जो लोग बजट के स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, प्लस जो भी आगे अपने मार्च में नए लॉन्चेस होने वाले हैं, तो ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नए सब्सक्राइबर आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।